नमस्कार, मैं हूं नेहा वर्मा और आप देख रहे हैं समाचार एक्सप्रेस पर आज की खास खबरें। आज जम्मू एवं कश्मीर के बारामूला जिले में शनिवार को सुरक्षा बलों के साथ मुठभेड़ में एक गैर स्थानीय आतंकवादी मारा गया। पुलिस सूत्रों ने बताया कि उरी क्षेत्र में बोनियार इलाके में सुबह आतंकवादियों और राष्ट्रीय राइफल व राज्य पुलिस के विशेष अभियान समूह के बीच मुठभेड़ शुरू हो गई। आतंकवादियों के खिलाफ कार्रवाई अभी भी जारी है। आपको बता दें कि इससे पहले 11 जून को जम्मू और कश्मीर के बारामूला इलाके में सुरक्षा बलों और आतंकियों के बीच मुठभेड़ जारी है। मौके पर 2 से 3 आतंकी मौजूद हो सकते हैं। सुरक्षा बलों से जुड़े सूत्रों के अनुसार मंगलवार शाम बारामूला के वडूरा इलाके में कुछ आतंकियों के मौजूद होने की सूचना मिली थी। मई के आखिर में आई एक रिपोर्ट में खुलासा हुआ था कि फरवरी के बाद से सुरक्षा बलों ने ऑपरेशन ऑल आउट में तेजी दिखाते हुए करीब 101 आतंकियों को मार गिराया था। पिछले साल जून में FATF ने पाकिस्तान को ग्रे सूची में डाला था। इस सूची में शामिल देशों के घरेलू कानून को धन शोधन और आतंकी वित्त पोषण पर नकेल कसने के लिहाज से कमजोर माना जाता है। अंतर्राष्ट्रीय एजेंसी फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स यानी FTF ने लश्कर ए तायबा और जैश के मोहम्मद आतंकी समूहों को वित्त पोषण रोकने में विफल रहने को लेकर पाकिस्तान को ग्रे सूची में बरकरार रखा है। इस संबंध में भारत ने कहा कि वह पाकिस्तान से आशा करता है कि वह AFTF कार्य योजना को सितंबर तक प्रभावी तरीके से लागू करेगा। भारत ने यह भी कहा है कि पाकिस्तान अपनी धरती से उत्पन्न होने वाले आतंकवाद और आतंकी वित्त पोषण संबंधी वैश्विक चिंताओं को दूर करने के लिए ठोस सत्यापन योग्य और अपरिवर्तनीय कदम उठाएगा। AFTF रिपोर्ट के संबंध में मीडिया के सवालों पर विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रवीश कुमार ने कहा कि AFTF ने तय किया है कि जनवरी और मई 2019 के तय कार्य योजना को लागू करने में पाकिस्तान की असफलता के मजेंदर के मद्देनजर उसे अंतर्राष्ट्रीय सहयोग समीक्षा की ग्रे सूची में रहने दिया जाए। फ्लोरिडा के ऑरलैंडो में हुई एक बैठक के बाद जारी बयान में ATF ने चिंता जताई है कि पाकिस्तान न सिर्फ अपनी जनवरी की समय सीमा की कार्य योजना को लागू करने में असफल रहा है, बल्कि उसने मई 2019 में भी कार्य योजना लागू नहीं की है। बिहार में चमकी बुखार के कारण अभी तक 161 से ज्यादा बच्चों की मौत हो चुकी है। चमकी बुखार से मरने वाले बच्चों को लेकर केंद्र और राज्य सरकार ज्यादा बोलने से बच रही है। चमकी बुखार से मौत को लेकर जवाब कोई नहीं दे रहा है। इन मौतों के बीच एक नई थ्योरी घूम रही है। थ्योरी यह है कि कहीं बुखार के पीछे लीची तो नहीं। बिहार के मुजफ्फरनगर जिले में सबसे ज़्यादा लीची का उत्पादन होता है और सबसे ज़्यादा बच्चों की मौत इसी जिले में हुई है। इस बीच चमकी का चीन कनेक्शन भी निकलना शुरू हो चुका है। चमकी बुखार से बच्चों की मौत का मामला शुक्रवार को संसद के दोनों सदनों में सुनाई दी। सदन की कार्रवाई शुरू होते ही एक मिनट का मौन रखा गया। ऐसे में लोगों के मन में एक सवाल उठना शुरू हो गया कि क्या 161 से ज़्यादा बच्चों की मौत के मुँह में धकेलने वाले दिमागी बुखार के पीछे मुजफ्फरपुर की लीचियां हैं। चमकी बुखार से बचना मुमकिन है, लक्षणों की पहचान कर तुरंत इसका इलाज करवाना चाहिए। चमकी बुखार का प्रमुख कारण कुपोषित बच्चों के द्वारा लीची का सेवन करना है। ऐसे बच्चे लीची का ज़्यादा सेवन करते हैं। इसमें अधिक लीची का सेवन भी शामिल है। ये बच्चे घर आने के बाद अक्सर बिना खाना खाए ही सो जाते हैं। इस बीमारी में मिर्गी जैसे झटके आना, बेहोशी आना, हल्का या तेज सर दर्द होना, अचानक बुखार आना, पूरे शरीर में दर्द होना, जी में चलना और उल्टी होना, बहुत ज़्यादा थका हुआ महसूस होना और नींद आना, दिमाग का ठीक से काम ना करना और उल्टी सीधी बातें करना, पीठ में तेज दर्द और कमजोरी, चलने में परेशानी होना या लकवा जैसे लक्षणों का प्रकट होने के लक्षण यदि दिखाई दे तो डॉक्टर के पास जाने में बिल्कुल भी देरी ना करें। इस बीमारी से बचाव के लिए बच्चों को रात में अच्छी तरह से खाना खिलाकर सुलाएं। खाना पौष्टिक होना चाहिए। बच्चों को खाली पेट लीची ना दें। अगर संभव हो तो ग्लूकोज पाउडर और चीनी को पानी में घोल कर दें, जिससे कि रक्त में ग्लूकोज का स्तर बढ़ सके और मस्तिष्क को प्रभावित होने से बचाया जा सके।